इन तीन विधाओं में घूमती है। अब एक छोटी सी प्रेम विधा की कथा पर शुरुआत करता हूँ कि सुनिएगा कि जब हर एक छत का शोर हमारी खिड़की तक आ जाता है, जब हर एक छत का शोर हमारी खिड़की तक आ जाता है, चांद निकलने की चहकन में अंबर भी शर्माता है और सारी नजरें आसमान में एक अंक पर टिकी हुई, अरे ऊपर वाले छत का छोटू निकला चांद बताता है। छोटे बच्चों को छत पर भेज दिया जाता है, बेटा जब चांद निकला कि नहीं निकला, कि जब हर एक छत का शोर हमारी खिड़की तक आ जाता है, चांद निकलने की चहकन में अंबर भी शर्माता है, सारी नजरें आसमान में एक अंक पर टिकी हुई, ऊपर वाले छत का छोटू निकला चांद बताता है। तब हल्के से कलम बोलती सुनो दीवाने सुनो दीवाने, तब हमारी कलम क्या कहती है कि तब हल्के से कलम बोलती सुनो दीवाने लिख दो कोई नई गजल या चंदा के वो गीत पुराने, लिखो दर्द जो अश्कों के संग बह गए रात अमावस में, ये चंदा क्या जाने है हम डूबे कैसे पावस में, और इसको तो यू दाग संग भी चांद में दाग है लेकिन, कि इसको तो यू दाग संग भी हर रातों को आना है, इसको तो यू दाग संग भी हर रातों को आना है। क्या करने आता है सिर्फ हमें पता है कि इसको तो यू दाग संग भी हर रातों को आना है, और मानो कोई काम नहीं है केवल हमें चढ़ाना है, मानो कोई काम नहीं है केवल हमें चढ़ाना है, और पाकीज़ा एक इश्क हमारा मगर कहाँ पूरा होना, पाकीज़ा एक इश्क हमारा मगर कहाँ पूरा होना, इसीलिए तो खोज अमावस रो लेते हैं हर कोना, और सुनो चांद अब चाहे हमारा वाला चांद चाहे आसमान वाला चांद, कि सुनो चांद एक ख्वाहिश है शायद कुछ जन्म पुराना है, आजकल का नहीं, कि सुनो चांद एक ख्वाहिश है शायद कुछ जन्म पुराना है, और चलनी के पार खड़े होना संकरवा चौक निभाना है, चलनी के पार खड़े होना संकरवा चौक निभाना है।